अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, हमें बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो इधर मैं मेरा प्याज में लाल कर रही हूँ, ब्राउन करूँगी, और आज मैं बनाऊँगी पत्ता आलू गोभी की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी। तो और 7 बज गए हैं, तो इधर मंडे है आज, तो ये मंडे का ब्लॉक है। तो मंडे से इस बच्चों लोग का स्कूल चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो नाश्ते में मैं यही बनाऊँगी आज। और ये मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और उसके बाद मैंने पेस्ट बनाए थे वो मैं डाल दूँगी पेस्ट। तो इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह से, और थोड़ी सी मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि पानी के बिना तो मसाला भूना नहीं पाएगा अच्छी तरह से। तो ये मैं डाल दूँगी, थोड़ी सी डालूँगी मैं पानी, और मैंने धनिया पाउडर इसमें भी डालूँगी, क्योंकि धनिया मैंने नहीं पेस्ट बनाया धनिया का, तो मैं धनिया भी इसमें एक चम्मच आधी चम्मच डाल दूँगी। डाल दिया मैंने, अब इसको मसाले को भूनूँगी आज। और ये नाश्ते में मेरा आज यही रहेगा, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी या पराठा जो भी हो वही रहेगा। और चाय तो डेली का है, तो चाय तो बना ली है, बनाकर मैंने पी भी लिया। तो ये मसाला मेरा भून रहा है, और बच्चे तो जब मेरा मसाला भून रहा था तो 7 बज रहे थे, 7 बजे से बच्चे अभी सो रहे थे। बच्चों को मैं ठंडी में जगाती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है और बच्चे जग जाएंगे और लगेंगे खेलने, इधर उधर जाने लगेंगे, तो ठंडी भी लग सकती है, तो मैंने छोड़ दिया है। अभी बच्चे ब्लैंकेट में भी हैं, सोए हैं अभी। और ये मैंने डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार। तो अब मैं इसको मसाले को भून लूँगी, और जब मसाला भून लूँगी तो मसाला बिल्कुल तेल छोड़ देगा, मसाले और तेल बिल्कुल अलग हो जाते हैं मसाला भूनने के बाद। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने पत्ता गोभी और आलू मटर मैंने सब धोकर क्लीन करके रख लिया था सब्ज़ी, तो ये मैंने डाल दिया मटर, आलू मटर मैंने डाल दिया इसमें। और इसको मैं चला लूँगी आलू मटर को, तो इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें, ऐड करूँगी पत्ता गोभी। और ये सब्ज़ी मैं बिल्कुल सूखी बनाऊँगी, रसदार नहीं, तो अच्छी लगेगी। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी पहले मैं बनाती थी उबाल करके, तो अब मैं उबाल कर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसके सब सारे विटामिन निकल जाएंगे। ये हरी सब्ज़ी है, तो हरी सब्ज़ी को उबाल कर नहीं बनाया जाता है, इस तरह कच्चा ही बनाया जाता है, तो मैं कच्चा इसको बनाऊंगी। लेकिन पहले मैं बनाती थी इसको तो उबाल कर बनाती थी। और तो ये मैंने इसमें डाल दिया पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी डालने के बाद मैं इसको ढक दूंगी, क्योंकि इसको बहुत जल्द ये गल जाता है, तो इसको मैं डाल के ढक दूंगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि सारे घर की क्लीनिंग कर दूँ, तो आज मैं करूँगी सफाई करूँगी घर की। और बहुत दिन हो गए हैं, सफाई तो ऐसे होता है, लेकिन जिसे मालूम होता है ना, पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूरी फुल क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग पूरी अच्छी तरह से, वो मैंने नहीं की है। तो आज मैं इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊँगी मैं क्या कैसे करती हूँ। तो ये मेरी सब्ज़ी अब रेडी हो जाएगी, और इसमें मैंने टमाटर भी ऐड करूँगी मैं। तो इधर देखिए मेरी सब्ज़ी अब बन जाएगी, और देखिए धनिया की पत्ती मैंने डाल दिया है, मेरी सब्ज़ी बनके रेडी है, तैयार है। और तो इस तरह से आज का मेरा ये नाश्ता है, ब्रेकफास्ट।
तो इधर सब लोग नाश्ता कर लिए हैं, नाश्ता करके स्कूल भी जा चुके हैं बच्चे वगैरह सब। तो इधर मैंने नाश्ता अपने निकाला है और इधर मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी मैं आराम जरूर करती हूँ नाश्ता करने के बाद, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो या सही बरसात का मौसम है, थोड़ी सी मैं आराम करती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो ये मैंने अपना काम शुरू कर दिया है सफाई का। तो मैंने इसको फास्ट ट्रैक पर कर दिया है क्योंकि मैं ज़्यादा सफाई की हूँ, तो इतने घंटा का किस तरह से दिखाऊंगी मैं। तो थोड़ा फास्ट ट्रैक कर दी हूँ कि थोड़ा टाइम ना लगे, छोटा कम से कम छोटा हो, तो ये ब्लॉग छोटा हो, तो इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक पर कर दिया है। और आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। तो ये मैंने हटा दिए सब, चादर को मैं क्लीन करूँगी उसके बाद में। चादर तो इसी चादर को मैं क्लीन करके फिर इस पर बिछा दूँ, क्योंकि चादर तो है मेरे पास गर्म चादर, लेकिन ये जो ये बेड नहीं, ये चौकी बोलते हैं इसको, तो ये मैंने लगाया है दो चौकी, तो चादर थोड़ा छोटी हो जाती है। तो ये जो चादर दिख रहे हैं आप ना ब्लैक और वाइट, तो ये सिंगल बेड का था, तो इसको मैंने बीच से जोड़ दिया है, सिलाई कर दिया है, तो डबल बेड का हो गया है। तो इस पर एकदम फूल आता है, अच्छी तरह से चला आता है चादर। तो इसी को मैं अक्सर बिछा देती हूँ साफ करके, और मशीन है ड्राई हो करके, मशीन में धुल करके ड्राई में कर देती हूँ। थोड़ी सी धूप लगती है तो पूरा सूख जाता है बिल्कुल। तो मैं इसी को फिर ले आकर बिछा देती हूँ चादर को। तो इस तरह से मैं देख, मैं जाले जाले भी घर में लग गए हैं, तो जाले थोड़ा थोड़ा हैं, तो उसको मैं भी साफ़ करूँगी और क्लीन करूँगी। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, ताकि मैं और इससे भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आप लोग इंजॉय करिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो रूम सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन में वही मैंने बर्तन को क्लीन करके रख लिया है, और जो है टाइल्स वगैरह मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद ऊपर के जो हिस्से मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं आ जाऊँगी नीचे, फर्श को मैं साफ़ करूँगी। और ये जो फर्श है आंगन है, सब साफ़ करने के बाद अब मैं चले जाऊंगी नहाने, क्योंकि पानी में मैं देर से काम कर रही हूँ, तो ज़्यादा देर से रहने पे नुकसान कर देगा पानी में। तो मैं चले जाऊंगी अब नहाने धड़ से जल्द से।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और तो आज आपने देखा कि मैंने सारे काम कर लिए हैं और मेरे काम भी सारे खत्म हो गए हैं और बच गए हैं, काम करते करते हो गए थे एक बज गए थे। और यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन एक काम जब मेरा ख़त्म हुआ तो धूप निकल गई और मैंने सारे कपड़े भी लेकर धूप में फैला दिए हैं। और देखती हूँ कि आज मैं खाना नहीं बनाई हूँ क्योंकि बच्चे जाते हैं तो टिफिन लेकर जाते हैं, लंच बॉक्स, और आते हैं तो खाना खाते नहीं है बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ खाना तो नहीं बनाया है लेकिन सब्जी रोटी है और कुछ है तो मैं खा लूँगी उसको। और तो आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, जैसे इतना कुहासा कर रहा है कि क्या बताऊँ, बहुत ठंड है। और तो अगर आज का ब्लॉग आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप मैं अब चलती हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि खाना का वक्त हो गया है और बच्चे भी आए नहीं स्कूल से, लेकिन आते हैं बच्चे 2:30 बजे तो अब आ जाएंगे बच्चे भी। तो जब मैं बात कर रही थी तो कोई आ गया था और मैं चली गई थी दरवाजा खोलने, तो मतलब कहीं शादी पड़ा था तो वलीमा बोलने आए थे लोग, तो वहीं मैं चली थी दरवाजा खोलने। अब मैं चल रही हूँ, अब क्या बोल रही हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि आज इतना मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसे और अच्छा लगता है जब जब काम कर लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। आज मैंने इतने सारे मैंने काम कर लिए हैं, इतनी खुशी होती है। आज जिस दिन मैं काम नहीं कर पाती हूँ तो उस दिन लगता है ना कि मैं एकदम बिल्कुल वो रखती हूँ कि आज मैंने कोई काम नहीं किए हैं, और जिस दिन मैं काम कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि आज जितने लग रहे हैं कि इतने सारे काम किए हैं कि दिल इसे गदगद हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो और लाइट हमारे यहाँ ना नहीं है और इसलिए मैंने आग जला कर रखी है, मतलब हाथ पैर सेकने के लिए, तो उधर आग जलाई है मैंने। और आग जलाई है तो पूरे जिससे कि धुआं धुआं सा हो गया है घर में, और जब धुआं होती है ना तो मुझे बहुत डांट पड़ती है, बोलते हैं कि घर को सारा घर खराब कर देगी, जाले लगा देगी, काला कर देगी। तो फिर भी मैं ना आग जरूर जला लेती हूँ, जब नहाती हूँ तो आग मतलब मैं जरूर सेक लेती हूँ बदन को। और तो आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है तो चल रही हूँ मैं आप खाना खाने और फिर मिलती हूँ उसके।